पीर पंजाल की पहाड़ियों के बीच कमल खिलाने की जुगत में जुटी भाजपा। पीएम मोदी के दौरे से बदला माहौल। चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर एक नया केंद्र बन गया है। पीएम मोदी के दौरे के बाद घाटी का माहौल बदल गया है। भाजपा पहली बार जम्मू क्षेत्र की दो सीटों से आगे निकलकर कश्मीर में कमल खिलाने की तैयारी में है और इससे लिए जोर लगा रही है। वहीं कश्मीरी दलों के समक्ष अपना घर बचाने की चुनौती है। जम्मू कश्मीर में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। जम्मू कश्मीर की राजनीति में उठापटक होना लाजमी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान अलगाववादी नारे गूंजते थे, मौजूदा दौर चुनाव का है और अब माहौल पूरी तरह बदलता दिख रहा है। हैनवीन नवाज, श्रीनगर। लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में न सिर्फ राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक गतिविधियां भी तेज हो चुकी हैं। भले ही जम्मू कश्मीर में 5 ही लोकसभा क्षेत्र हो, लेकिन यहां के मुद्दे देश की सियासत के लिए महत्वपूर्ण हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर की राजनीतिक में उठापटक होना लाजमी है। भाजपा पहली बार जम्मू क्षेत्र की दो सीटों से आगे निकलकर कश्मीर में कमल खिलाने की जुगत में है और इसके लिए जोर लगा रही है। वहीं कश्मीरी दलों के समक्ष अपना घर बचाने की चुनौती है। INTIA की आपसी खींचतान उनकी चुनौती को और आगे बढ़ा रही है। पूर्व जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान अलगाववादी नारे गूंजते थे और इन्हीं नारों के सहारे कश्मीरी के सियासी दल अपनी जीत की राह खोजते दिखते थे। मगर जम्मू कश्मीर का भूगोल क्या बदला, पूरा माहौल ही अब बदला नजर आ रहा है। अब पहली बार इन मुद्दों के चुनाव में कोई चर्चा नहीं है और पूरा चुनाव विकास की पगडंडी पर बढ़ता दिख रहा है। कांग्रेस और नेकाम जैसे दल राज्य के दर्जे की आवाज उठा रहे हैं। 5 वर्ष में आया यह बदलाव यूं ही नहीं है। पहली बार कि जम्मू कश्मीर के आम आदमी विकास को अपने आसपास बखूबी महसूस किया है। दशकों से पहचान और न्याय के लिए वंचित आबादी को पहली बार अपने अधिकार मिले हैं और यही बदलाव प्रदेश में चुनावी चर्चा का हिस्सा बना है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद हुए परिसीमन ने इस बदलाव में काफी अहम योगदान दिया है। 5 लोकसभा क्षेत्रों का इस तरह से परिसीमन किया गया है कि सभी क्षेत्र लगभग एक समान आबादी और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहली बार अस्तित्व में आया अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की आपसी प्राकृतिक सीमाओं को तोड़ता दिख रहा है। यहीं से खेमों में बटी सियासत को नई राह मिलती दिख रही है और भाजपा को नई उम्मीद। पीर पंजाल की पहाड़ियों के दोनों ओर के क्षेत्रों को मिलाकर बना यह क्षेत्र जम्मू कश्मीर की सियासत का नया केंद्र बन गया है। नेकाम और PGP इस गढ़ को बचाने के लिए हर दांव लगाने को तत्पर दिखते हैं और भाजपा इसे कश्मीर में पहचान मजबूत करने की उम्मीद के तौर पर दिख रही है। राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर हरि ओम कहते हैं कि अनंतनाग राजौरी सीट पर भाजपा की जीत राजौरी पूंछ व अनंतनाग में मतदान के प्रतिशत पर निर्भर करेगी। भाजपा को उम्मीद है कि वह राजौरी पूंछ से पहाड़ी व गुज्जर बकरवाल और हिंदू मतदाताओं के अधिकांश वोट ले जाएगी। गुलाम नबी आजाद अब लोगों को रोशनी अधिनियम वापस बहाल करने का यकीन दिला रहे हैं। साफ है कि वे कश्मीरी दलों का नुकसान करेंगे।